देखो बच्चों, आज हम आपको मैथमेटिक्स में नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। नंबर्स कितने तरीके के होते हैं मीनाक्षी? नंबर्स होते हैं तीन तरीके के। तुम्हारी बुक में दिए कितने तरीके के दिए? पहला है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, तीसरा है अभाज्य संख्या। और ये हम अगले वीडियो में एक ट्रिक से भी बताएंगे। पहले अभी ऐसे सीख लो कि होती कौन कौन सी। ध्यान से सुन लो, ये वाली संख्या इसकी परिभाषा क्या होती है। मैं यह लिख दे रहा हूं, एक की लिखूंगा फिर दो की अपने आप लिखोगे। देखो बे संख्याएं बोलेगा कोई नहीं, ध्यान से जो दो से पूरी 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 मतलब बराबर पूरी पूरी कट जाती है या विभाजित हो जाती है उनको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे उदाहरण कौन कौन सी होती है सम संख्या, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, बाईस, चौबीस, छब्बीस, अट्ठाईस और तीस तक मैंने लिख दी। क्या लिख दी हमने? तीस तक लिखी है। यहाँ पर लिखिए मतलब कि वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आ रही है। आ रही है दो के पहाड़े में, ये दो का पहाड़ा लिखा है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो पंजे दस, दो छंग बारह, दो सत्तर चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो अठारह, दो नौ बीस। आ रही दो के पहाड़े में और दो से पूरी कट जाए जिनके आखिर में ये नंबर होते हैं, ये वे संख्याएं क्या कहलाती है तुम्हारी? सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? ये बड़े नंबर आएंगे तो आप पहचानोगे कैसे ये सम है विषम है, तो तब पहचानोगे जिनके आखिर में जीरो, दो, चार, छः, आठ ये नंबर होंगे। समझ लो वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। सम संख्या होगी जैसे 2950 आखिर में क्या आ गया? जीरो। कौन सी संख्या होगी? समझ में आया? इसी तरीके से और मान लो कोई ये लो 2, 3, 4, 8 कौन सी होगी? ये वाला आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर मान लो हो जाए 4 आखिर में क्या आ गया? सम संख्या। इसी तरीके से आखिर में आ जाए के 2 समझ में आ गया? तो बड़ी संख्याएं ऐसे पहचानोगे, ये अंक होना चाहिए आखिर में। अब विषम संख्याएं हमने लिखा वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाती हैं। यहाँ पर दो से पूरी पूरी नहीं कटती, दो से नहीं कटेंगी, वो संख्याएं कहलाएंगी तुम्हारी। जैसे ध्यान से देखो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ये समझ में आया? किसके समझ में आया? ये संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ये दो से नहीं कटेंगे। क्या कट जाएंगे? ये दो का पहाड़ा पढ़ोगे 11 में तो कितना बचेगा शेषफल? एक बचेगा। देखो दो से काट के देख लो 11 को, 2 5 10 बचा एक, एक बच गया, पूरी पूरी नहीं कटी।
या पूरी पूरी कट रही या पूरी पूरी नहीं कट रही है, इसलिए 11 क्या है विषम संख्या। समझ में आ गया। अच्छा अब आया ये वाली, स्वयं से कटती है, स्वयं से कटेंगी, किससे कटेंगी, जैसे कौन कौन सी है देखो, एक को छोड़ देते हैं, कहां से शुरू होती है, दो से, दो तीन पांच सात ये से आ रही है, तीन पांच सात क्या ना होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये तीन से कट जाए, ग्यारह तेरह सत्रह क्या इक्कीस होगी, नहीं होगी, तेईस तेईस किसी से नहीं कटेगी, खुद से कटेगी, हाँ यहाँ रह गई उन्नीस, उन्नीस की नहीं कटेगी किसी से, और तेईस और उन्तीस किसी से नहीं कटेगी, ये खुद से कटेंगी, ये खुद में मग्न रहती है, ये समझ आया। तो तीनों के बारे में सारे बच्चे समझ गए, थैंक यू वेरी मच।